YouTube चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मांगलिक विचार। बहुत से लोग कहते हैं मेरी कुंडली मांगलिक है, मेरी कुंडली मांगलिक है। तो मांगलिक क्या होता है और मांगलिक कैसे देखा जाता है, मांगलिक दोष होते हुए भी मांगलिक दोष नहीं होता है, वो हमें जानना अति आवश्यक है। तो इस पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को भी दबाइएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और मैं धीरे धीरे आपको विस्तार से बताऊंगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपकी कोई प्रतिक्रिया हो अंत में कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने ये सारी बातें। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले कुंडली में आपको देखना होता है कि मांगलिक, मांगलिक क्या होता है इस पर मैं आपको बताता हूँ। प्रिय दर्शकों, कुंडली के अंदर जो आपके सामने दिख रही कुंडली, इसमें 1, 4, 7, 8 और 12 इन स्थानों में अगर लड़के के यहाँ मंगल हो तो मांगलिक होता है और अगर लड़की के भी इन स्थानों में मंगल होता है तो वो मांगलिक होती है। अब मांगलिक क्या होता है? प्रिय दर्शकों, मंगल जो ग्रह है वो उग्र ग्रह है, तेज है, सेनापति है। तो मंगल तेज होता है, उग्र होता है, तो दोनों का सामंजस्य एक जैसा नहीं रहता है। अब मान लो कि लड़की का मंगल तेज है, लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है, तो लड़की उग्र रहेगी, थोड़ा स्वभाव उसका तेज रहेगा, तो दोनों का सामंजस्य नहीं बन पाएगा। इसी तरह अगर लड़का मांगलिक होता है, लड़की मांगलिक नहीं होती है, तो भी नहीं होता है। तो अगर दोनों मांगलिक होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों मांगलिक होते हैं तो दोनों का दोष हट जाता है, अनिष्ट दोष हट जाता है। ये श्लोक आया है, कुज दोष वती देया कुज दोष वते किल नास्ति दोषो न चानिष्टम दंपत्योः सुखवर्धनम। कहते हैं अगर मंगल दोष वाली कन्या का विवाह मांगलिक दोष वाले लड़के के साथ करने से मंगल का अनिष्ट दोष नहीं होता है तथा वर वधु के मध्य दाम्पत्य सुख बढ़ता है। तो दोनों मांगलिक होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, विवाह कर सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर लड़का मांगलिक है, लड़की नहीं है, तो भी विवाह हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? यदि लड़की की कुंडली में जिस स्थान पर मंगल है, ध्यान से सुनिएगा, लड़की की कुंडली में जिस स्थान पर मंगल है और लड़के की कुंडली में उसी स्थान पर यदि शनि आ जाए या मंगल आ जाए या सूर्य आ जाए या राहु आ जाए या और कोई पाप ग्रह आ जाए तो वो दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार अगर लड़की की कुंडली में जहाँ मंगल बैठा हो और विपरीत लड़की की कुंडली में उसी स्थानों पर शनि मंगल सूर्य राहु इत्यादि ग्रह बैठे हों तो वो दोष हट जाता है। फलित संग्रह में इस प्रकार श्लोक आया है, शनि भौमोथवा कश्चित पापो वातादृशो भवेत तेष्वेव भवनेष्वेव भौम दोष विनाशकृत। इसका मतलब ये है कि जहाँ मंगल बैठा उसके विपरीत दूसरी कुंडली में कोई पाप ग्रह आ जाए तो वो दोष भंग हो जाता है। प्रिय दर्शकों, 1, 4, 7, 8, 12 इनमें मंगल होता है तो कुंडली मांगलिक होती है, लेकिन इन्हीं स्थानों पर मंगल हो तो मांगलिक नहीं भी होती है। अगर इन स्थानों में इन राशियों में मंगल बैठा हो, जैसे मेष राशि का मंगल अगर लगन में हो, अगर मंगल लगन में है मेष राशि का है तो वो मांगलिक नहीं होती है। वृश्चिक राशि का मंगल चौथे स्थान पर हो, वृश्चिक राशि का मंगल अगर चौथे स्थान पर होता है तो भी मांगलिक नहीं मानी जाती। अगर मकर राशि का मंगल सातवें भाव में है तो भी मांगलिक नहीं होती। कर्क राशि का मंगल अगर आठवें भाव में है तो भी वो मांगलिक नहीं होती और धनु राशि का मंगल यदि बारहवें भाव में हो तो भी मंगल दोष नहीं होता है। ये मुहूर्त पारिजात में इस प्रकार श्लोक आया है, अजय लग्ने वे चापे पाताले वृश्चिके कुजे द्यूने मृगे कर्क कीचाष्टौ भौम दोषो न विद्यते। तो इन स्थानों पर भी मांगलिक दोष नहीं होता है अगर इन राशियों में मंगल बैठा हो। अगर मीन राशि का मंगल सातवें भाव में
तथा कुंभ राशि का मंगल आठवें भाव में हो तो भी मंगल दोष नहीं माना जाता। मुहूर्त चिंतामणि में ये श्लोक आया है, द्यूने मीने घटे चाष्टौ भौम दोषो न विद्यते। मतलब सातवें भाव में मीन राशि का मंगल मांगलिक नहीं माना जाता और कुंभ राशि का मंगल अष्टम भाव में मांगलिक नहीं माना जाता है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ, कुंडली का मिलान कैसे करें, तो आप इंतज़ार कीजिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।